टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की 61वीं वार्षिक बैठक हुई। बैठक में साल 2018 और 19 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा वितरण पर विचार और कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने बैठक का आय व्यय बैठक पर प्रस्तुत किया। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बृजभूषण ग्यारोला ने कहा कि बैठक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मेरे उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, पहले से भी रहा है। और अभी यहाँ पर हम जिला सहकारी बैंक के जो अपना AGM हो रही है उसमें आए हैं, और आज यहाँ पर पूरे साल भर का जो भी अपना आय व्यय का होता है, बैंक की क्या स्थिति है, और हमने जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो सहकारिता के लिए जो योजनाएँ हैं उनका हमने कितना उसमें पालन किया है, उसका हम साल भर का उसका देख रहे हैं कि कितना उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। किसानों की आय को दोगुना करने का है, महिला स्वयं सहायता समूह को हमने कितना 5 लाख तक का जो ऋण हम दे रहे हैं। 18-19 के सापेक्ष जब हमने जिले की कारोबार संभाला तो हमारा बैंक का लाभांश था 1 क्षेत्र के आसपास 1.76 करोड़ रुपये लगभग। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए AGM के माध्यम से कि आज उस लाभांश को हम 5.90 करोड़ ले गए हैं। और मैं एक और आज सूचना देना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमने 1 साल के अंदर काम किया और 19-20 के हिसाब से हमारा टारगेट कि हम 10 करोड़ तक TD बैंक को पहुँचाएंगे।